दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा करेक्टर सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास मिस्टर वेगर पेट और स्कलर करेक्टर है तो आप बहुत अच्छे करेक्टर को और पेट को लिए हुए हैं। पेट में सबसे अच्छा पेट मिस्टर वेगर है। आप कहीं भी उतरिए बड़ा ग्राउंड में, आपको 2-3 गुलबॉल, 4 गुलबॉल, 5 गुलबॉल आराम से दे देता है। और स्कलर करेक्टर जो है ना, ये होता है कि मतलब कि अगर आपको कोई डाउन कर दे या आपको अगर डैमेज पड़ जाता है तो 1 ग्लोबल लगाने से आपको मतलब कि कुछ हील हो जाता है। जैसे कि आप 1 ग्लोबल लगाइएगा तो 30, 40 या 50 के करीब आपको 1 ग्लोबल पर आपको हील मिल जाएगा, जो बड़े ग्राउंड के लिए काफ़ी होता है। और एक एक कवर भी हो जाता है कि आप ग्लोबल डालिएगा तो एक कवर रहेगा और उसके बाद एचपी भी रहेगा। तो सब ये सब में एस्कलर करेक्टर फ़ायदा में है। मगर करेक्टर में देखा जाता है, सबसे पहला करेक्टर जो होता है वो के करेक्टर, मतलब कि आलोक आलोक करेक्टर सबसे ऊपर होता है। उसके बाद के करेक्टर को सब ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद एस्कलर का बात आता है। और जो हुकंग वाली बात है, वो तो हुकंग जो है ना शॉर्ट बाउंड्री में ही खेलने में अच्छे लगते हैं हुकंग से। बाकी लॉन्ग मैप में हुकंग की कोई काम नहीं है। और अगर आप सब मतलब कि फ्री फायर इंजॉय के लिए खेलते हैं तो फिर ठीक है। और अगर आप मतलब कि करियर बना लिया कि हमको फ्री फायर में कुछ करना है, उसके लिए खेल रहे हैं, तो फिर आप जो है ना टॉपअप वॉप कर सकते हैं, मतलब कि जितना पैसा लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर आप इंजॉय के लिए खेल रहे हैं तो बस मिशन पूरा करिए, और कुछ बस 30, 10, 50 वाला अगर ड्रॉप जो आता है जिसमें 1, 200 या 300 डायमंड देते हैं, वो वाला ले लिया करिए। कहे कि भाई आपको पैसा नहीं लगाना है। हाँ, फिर आप खुद कमा रहे हैं तो फिर पैसा लगाए तो कोई बात नहीं है, मगर आप नहीं कमा रहे तो उसके बाद पैसा लगा रहे तो माँ बाप की कमाई को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे आपको बचना है और गेम इंजॉय के लिए खेलिए। हाँ, अगर मिशन बनाना है तो फिर ठीक है। जैसे कि मैंने मिशन बनाया हूँ कि भाई गेमिंग में हमको कुछ करना है या उसके बारे में सोचे हुए हैं, तो इसके लिए मैं बहुत सारे पैसा लगाए। जैसे कि देखिए, गोल्ड रॉयल बंडल में पूरा का पूरा परचेज़ किया हुआ, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पिन हुआ है इसमें, और वेपन में भी पूरा का पूरा स्पिन किया।